देखिए, जो दिल है ना वो एक दरवाजा है, जब खुलता है तो सबके लिए खुलता है। ये केवल कुत्ते के लिए नहीं खुलेगा या गाय के लिए नहीं खुलेगा, केवल अंधे के लिए नहीं खुलेगा या मूर्ख के लिए नहीं खुलेगा, ये सबके लिए खुलता है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। बहुत सारे जानवर हैं जिनकी, जो भगवान ने ऐसे बनाया कि आप उनको पसंद भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनके हक, उनका हक नहीं है जीने का। अगर आप मांस खाते रहोगे तो आप क्या कुत्तों को ही बचाते रहोगे? और वो भी क्योंकि आपको कुत्ते अच्छे लगते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं तो हमने बहुत कृपा करी है, अगर वो दूध छूते हैं या अंडे छूते हैं तो वैसे ही उनकी वजह से लाखों लाखों जानवर मरते हैं। जब मैं दूध पीती हूँ तो मेरी वजह से गाय का बछड़ा सबसे पहले मरता है। अगर लड़का है तो पैदा होते ही उसको कत्ल कर देते हैं, अगर लड़की है तो उसको भूख से मार मार करके बड़ा करते हैं, क्योंकि दूध तो आप ही पी रहे हैं, उसको थोड़ा सा ही मिलता है। तो बड़ी होकर के, भूखी रह करके, तरस तरस करके बड़ी होती है, और फिर उसके बाद दूध देने के लिए उसको हर वक्त प्रेग्नेंट करना पड़ता है। तो उनको जो सीमन मिलता है बुल से, जिनसे वो प्रेग्नेंट होती है, वो सीमन कैसे निकाला जाता है शायद आपको मालूम नहीं है। वो सांडों को लेकर के एक कमरे में 5-5 साल, 6-6 साल के लिए बंद करते हैं। उन सांडों को रोज के रोज ले जा करके इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है अपने एनस में डाल करके। वो इतना तगड़ा शॉक होता है कि उनके टांग भी लड़खड़ाने लगते हैं और इतना दर्द होता है। उससे वो सीमन कलेक्ट करते हैं और दिन में 2-4 दफा हफ्ते में। तो शुरुआत जो है वो ही क्रूरता से है। फिर चलते चलते ये जो गाय आपको दूध देती है, आप उसका दूध पीते जाओ, और 2-3 साल के अंदर अंदर जब उसकी क्षमता खत्म हो जाए, क्योंकि आपको दूध देने के लिए उसको रोज 2 दफा दिन में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन मिलता है। ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन में उसके जो यूट्रस है वो लेबर की तरह कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तब जाकर के दूध निकलता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, वो इतने दर्द में है, तो 2-3 साल के अंदर अंदर वो बांझ हो जाती है। जैसे ही वो बांझ हो जाती है उसको सीधे कत्ल के लिए भेजा जाता है। और अंडे खाना तो उफ और भी खतरनाक है। जो पोल्ट्रीज हैं, एक एक मुर्गी को ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटीज, आर्थराइटिस, अभी तो बर्ड फ्लू, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं। आप चिकन जब खाएंगे या उनके अंडे जब खाएंगे तो सोचो, अगर मैं बीमार हूं और मुझे कैंसर, टीबी, ब्रुसेलोसिस, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, तो क्या मेरे अंडे में ये बीमारियां नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे में नहीं जाएंगे? बिल्कुल ही जाएंगे। आपने क्या सोचा वैसे भी कि अंडा है क्या? एक पीरियड ब्लड बस। तो अगर आप किसी जानवर का पीरियड ब्लड खा रहे हैं तो वैसे भी, और वो भी अगर बीमारी से भरा तो फिर फायदा क्या है? आप क्या खा रहे हैं? उसमें कोलेस्ट्रॉल भरा, अगर सही भी होता तब भी कोलेस्ट्रॉल के अलावा आपको क्या मिलता अंडे से? तो इनको तो खाना बंद करते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो वीगन ही बन जाए, और इस देश में भगवान ने हमको इतना दिया है कि वीगन बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से बन सकते हैं। कोई भी स्क्रिप्चर्स में दूध का कोई जिक्र नहीं है, केवल जिक्र है घी का, और वो घी का जो बिल्कुल ही कम से कम बनाया जाए। कोई नहीं पीता था दूध, फिर जब अंग्रेज आए तो इन्होंने हमारे ऊपर लाद दिया डेयरीज। इनफैक्ट पहला डेयरी करनाल में बना था, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया, और उनके लिए उनको नाइटहुड मिला कि हिंदुस्तान में वो दूध पीने का रिवाज शुरू कर रहे हैं। तो ये जो कहना कि दूध हम लोग हमेशा पीते थे, कभी नहीं पीते थे, हम लोग हमेशा वीगन थे, और वीगन बनना हमारे डीएनए में है।